सीरियल गुम है किसी के प्यार में को और मजेदार बनाने के लिए मेकर्स हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। सीरियल में सभी और ईशान की कहानी दिखाई जा रही है जो 24 घंटे सिर्फ लड़ते झगड़ते रहते हैं। ईशान का रोल शक्ति अरोड़ा निभा रहे हैं तो वही भाविका शर्मा सभी के रोल में पसंद की जा रही है। सीरियल के बीते एपिसोड में देखने के लिए मिला था कि सभी का सामना भोसले हाउस में ईशान से होता है जिसके बाद घर में बवाल होता है। इस दौरान सभी को भी पता चलता है कि ईशान उसकी ईशा मैम का बेटा है। अब सीरियल में क्या क्या होगा आइए आपको बताते हैं। टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार में के अपकमिंग एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा कि सभी ईशान की काको और भाभी से बात करती है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि ईशा मैम ने ईशान को क्यों छोड़ा। इसी दौरान ईशान की भाभी सभी को बताती है कि उसे अका साहेब बुला रही है। दूसरी तरफ दुर्वा अका साहेब के सभी के खिलाफ कान भरने की कोशिश करती है तभी वहाँ पर सभी आ जाती है। इस दौरान अका साहेब सभी का हाल चाल पूछकर उसे भोसले हाउस में रहने की ही सलाह देती है। अका साहेब सभी को बोलती है कि जब तक उसकी बहन वापस नहीं आ जाती सभी भी यह बात मान लेती है। अका साहेब ये सब इसलिए कर रही है ताकि सभी भोसले परिवार के खिलाफ कोई एक्शन न ले। सीरियल में आगे देखने के लिए मिलेगा कि सभी भोसले हाउस में ही रुकती है और अका साहेब दुर्वा को काफी डांट भी देती है। इसके बाद रात को ईशान बाहर गार्डन में बैठकर अपनी माँ को याद करता है। तभी सभी पानी पीने रूम से बाहर निकलती है तो वह घर का मेन डोर खुला देखती है। इसी वजह से वह घर का दरवाजा बंद कर देती है। वहीं जब ईशान घर में आने लगता है तो दरवाजा बंद होता है। इसी वजह से वह खिड़की से घर में आता है। इस दौरान सभी उसे चोर समझ लेती है और उसे पीटना शुरू कर देती है। सभी के साथ घर के बाकी लोग भी उसे मारते हैं लेकिन जैसे ही सभी को पता चलता है कि वह चोर नहीं बल्कि ईशान को पीट रही है तो वहाँ से भाग जाती है। फिलहाल आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।